आज की वीडियो में मैं लाई हूँ एक ऐसी सिंपल रेसिपी जो टिफिन में भेजने के लिए या सफर में साथ ले जाने के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। तो आज हम बनाएंगे सूजी का मेथी परांठा, जो खाने में बहुत खस्ता है और बनाने में बहुत आसान है। सूजी का मेथी परांठा बनाने के लिए हमने ली है 1 कप सूजी, धोकर चॉप की हुई 1/2 कप मेथी, बारीक काटा हुआ 1 प्याज, बारीक काटी हुई 2 हरी मिर्चें, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर और थोड़ा सा देसी घी। सूजी का मेथी परांठा बनाने के लिए हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में डालें 1 कप सूजी, इसमें डालें बारीक काटा हुआ 1 प्याज, बारीक काटी हुई 2 हरी मिर्चें, 1/2 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर और लगभग 1 चम्मच देसी घी डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। हमने इसमें 2 हरी मिर्चें डाली हैं। अगर आप ज्यादा करारा खाना पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा लाल मिर्ची या काली मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। जब सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें चॉप की हुई 1/2 कप मेथी डालकर मिला देंगे। मेथी भी सूजी में अच्छे से मिक्स कर दें और अब इसे पानी मिलाकर गूंथ लें। आप चाहें तो इसे दही डालकर भी गूंथ सकते हैं, लेकिन अगर दही डाल रहे हैं तो आमचूर पाउडर ना डालें। सूजी का मिक्सचर हमें ज्यादा पतला नहीं गूंथना है। इसे गूंथकर हम तकरीबन 15 मिनट के लिए ढककर अलग रख देंगे ताकि सूजी सारा मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके फूल जाए। 15 मिनट रखने के बाद आप देखेंगे कि सूजी का मिक्सचर पहले से ज्यादा टाइट हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा देसी घी लगाकर इसे थोड़ा और गूंथ लेंगे। यहाँ पर सूजी मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने के बाद बहुत सॉफ्ट हो गई है, तो इसे आटे की तरह बड़ी आसानी से गूंथ लें। सूजी गूंथने के बाद अब हम इसके परांठे बनाएंगे। 1 कप सूजी से 4 परांठे बनेंगे। तो गूंधी हुई सूजी का 1/4 हिस्सा लें और इसे सूखे गेहूं के आटे से कोट करके बेल लें। हम इसे सूजी की जगह गेहूं के आटे से कोट कर रहे हैं क्योंकि कोट की हुई सूजी पराठा सेकने के बाद भी कच्ची रह सकती है, जो खाने में अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए गेहूं के आटे का इस्तेमाल करें। परांठे को खस्ता और मजेदार बनाने के लिए बेलने के बाद इस पर थोड़ा घी लगा लें। इसे फोल्ड करके इसके ऊपर फिर से घी लगा लें। और अब इसे फाइनली फोल्ड करके इस पर सूखा आटा लगा लें। और इसे बेलकर पकाने के लिए तैयार कर लेंगे। अब परांठा पकाने के लिए गर्म तवे पर थोड़ा देसी घी लगाकर ब्रश कर लें। जब तवा गर्म हो जाए तब इस पर परांठा डालें और सेक लें। हमारे यहाँ नाश्ते में सबसे ज्यादा परांठा पसंद किया जाता है। अगर आप भी सेम परांठे बार बार खाकर बोर हो चुके हैं तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। सूजी के परांठे खाने में भी इतने हैवी नहीं होते। परांठे की हम दोनों तरफ घी लगाकर बारी बारी सेक लेंगे। मीडियम हाई गैस पर तकरीबन 3 से 4 मिनट दोनों तरफ से बारी बारी सेकने के बाद जब ये दोनों तरफ से पक जाए तब परांठा सर्व करने के लिए तैयार है। ये खस्ते और करारे मेथी वाले सूजी के परांठे अचार और चाय के साथ सर्व करें। इन्हें खाने वाले आपकी तारीफ जरूर करेंगे।
तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।